अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज मैंने माइक भी अटैच कर लिया अपने इस GoPro के सेटअप पे, इस हेलमेट वाले सेटअप पे, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कल की वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर सब कुछ हो रहा था, मैंने GoPro का माइक अटैच नहीं किया था, और इस वीडियो में एटलीस्ट ये हम टेस्ट भी कर लेंगे और मज़ा आएगा। आज हमारा टूर्नामेंट जो चल रहा है रामीन का, कायद आजम कप, उसका आज थर्ड डे है, और आज का जो हमें मैचेस कवर करने जाना है वो है ईस्टर स्टार ग्राउंड में जाना है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये पूरा मार्केट का एरिया है और ये मार्केट ने अभी तकरीबन 11 बजे खुलेंगी, तो इसलिए बहुत अच्छा सुनसान एरिया लग रहा है अभी, और रोड बहुत क्लियर है, वरना इधर के भी रोड इतना क्लियर नहीं होता। अच्छा, अब मुझे देखनी है अपनी लोकेशन, क्योंकि ईस्टर ग्राउंड मैं नहीं गया हूँ। ईस्टर स्टार की लोकेशन चेक करता हूँ मैं। पहले तो नेट खोलने हम अपना, ईस्टर्न स्टार। अच्छा, 4.2 किलोमीटर रह गया ना। हम यहाँ खड़े में बोला यूं लेके जाओ, पागल के बच्चे, हम सामने तो खड़े में चुरंगी पे। मेरे ख्याल से गूगल भाई जहाँ लेके जा रहे हैं ना वहीं लेके चल लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आ रहा है ट्रैफिक जैम। ये पूरा क्लियर है, ठीक है भाई, चलते हैं। जिंदाबाद। बाबू जी देख के, यार बड़ी सी बेकरी यहाँ पे यार, एक बेकरी नाश्ता, नहीं नाश्ता तो अभी गेम ही नहीं हो सकता यार। वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सीन है, फिर नाश्ते का करेंगे। अभी हम शॉर्ट ऑफ टाइम है, ओ 8:50, अभी भी 10 मिनट है मैं पहुंचने में। ओह माय गॉड, गुडनेस, अच्छा रोड इतना क्लियर मिल गया भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमें 1.5 घंटा तो लगेगा भाई। वाह, अभी भी 10 मिनट हैं, हम 8:50 पे हैं अभी, और 4 किलोमीटर का रास्ता रहता है। ये मेरे ख्याल में ये फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ना हमें, और फ्लाईओवर से नीचे की तरफ रोड घूमेगा, बाइक स्लो कर लेते हैं। हाँ, ये फ्लाईओवर के नीचे से रोड घूमेगा। तो मेरे ये मीटर भी तो वर्किंग नहीं कर रहे ना, मीटर मुझे चेंज करवाने हैं। मीटर वर्किंग करेंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, एटलीस्ट मीटर रीडिंग भी पता होनी ज़रूरी है। जब लॉन्ग टूर पे आप जाते हैं तो आपको अपने फ्यूल वगैरह को मेंटेन करने के लिए
मीटर रीडिंग वगैरह वो पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। हम आगे तो नहीं निकलेंगे, सबसे आगे आगे, और अब हम वेट करेंगे सिग्नल खुलने का, ये खुला और सबसे आगे आगे ही आगे, हर कदम भागे ही भागे, आगे चुरंगे चुरंगे राइट हो चौरंगी, और चौरंगी से अपने को मिलना है राइट साइड, राइट साइड पर जगह दोगी अपन को, हमको जगह दोगे तो बड़े क्या बनाइए जगह इस गाड़ी में, बस वाले ने लव यू, कभी कभार तो ये सारे इतने प्यारा काम करते थे अगलों का काम खराब किया और हमारा काम आ गया। वहाँ से बंद हो जाओ, कहाँ से घुमा रहा भाई, इसी सी जगहों से घुमा रहा है, गूगल मैप भी ना कभी कभार बड़ी बड़ी हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि ये फ्रंट का कोई रास्ता नहीं है, सोसाइटी है तो कौन लेके जाता है, क्रिकेट ग्राउंड यहाँ आ गए, टर्न राइट, और टर्न राइट के बाद अपन ने वो बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पर ही है, देखते हैं कहाँ है लेफ्ट साइड, फील तो नहीं आ रही, वो होता ना कि क्या कहते हैं उसको, लाइट्स वगैरह दिखना, पोल्स दिखना शुरू हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड के, वो वाला गेम तो नहीं दिख रहा अभी, लेकिन देखते हैं कहाँ 40 के बाद टर्न लेफ्ट, ओ ये सब ब्रेक मारा था मैंने, ये ग्राउंड तो ये रहा, लेकिन मैचेस मैच तो चल रहा है ऑलरेडी किसी का, अच्छा ये नाइट के ग्राउंड ही नहीं है, डे डे का ग्राउंड है, यहाँ तो ऑलरेडी मैच चल रहा है, और हमें अपने कोई दिख तो नहीं रहे यहाँ पर, चले पार्किंग पे लगाते हैं और फिर, अच्छा इधर बैठी हुई है टीम, ये बैठे लेकिन अपनी नहीं है, फाइनली मगरिब हो गई और मैच बहुत टफ हो गया था, टफ इसलिए हो गया था कि टीम थोड़ा सा मानने से टाइमिंग थोड़ा सा इशू कर जाते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले अब निकलते हैं, तो जी हाँ वो कुछ ऐसा किया था कि इस वक्त हो गई थी बैड लाइट, और बैड लाइट की वजह से मैच को थोड़ा कट डाउन करना था, लेकिन दूसरी टीम मानी नहीं चलें, तो जैसा कि आजकल की वीडियोस में हमारे पास कुछ ख़ास हम नहीं कर रहे, मतलब कि इससे वैसे मैच की कवरेज कर रहे होते हैं मैं, और इसीलिए कुछ दिखाने का कम होता है सुबह से लेके रात तक, रात मतलब शाम तक, दिन की एक प्लानिंग है जो कि देखें कैसे होती है, होती है नहीं होती है देखना पड़ेगा, और वो प्लानिंग है कि हमें गोरख निकलने का मेरा प्लान है, अब गोरख पे 4 और 5 नवंबर को एक अच्छा सा इवेंट हो रहा है मदारी का, जो कि लास्ट ईयर भी मैं गया था और इस साल भी जाने का बड़ा मूड है मेरा, तो मेरे दो प्लान हैं गोरख के, या तो मैं बाइक पे निकल जाऊंगा या तो फिर मैं वकास के साथ, और वकास का भी कुछ 100% कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं क्या गेम है गोरख का, बाइक के लिए मेरी बाइक क्योंकि इतनी फुली रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके जाना चाहूँगा, आजमाना चाहूँगा, ये भी 100% ये भी फुली ओके नहीं है,
लॉन्ग राइड के लिए, और ख़ास तौर पे गोरख की लास्ट वाली जो चढ़ाइयाँ होती हैं मेरे ख्याल में शायद उनके लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं टफ़ टाइम दूंगा और टफ़ टाइम दे के देखेंगे कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। तो आज की वीडियो को ये भी फिनिश करते हैं और कल इंशाल्लाह देखते हैं कि कल हम गोरख जा रहे हैं नहीं जा रहे, और जा रहे तो कैसे जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सीन अब प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। अली का मूड थोड़ा चाय का नहीं है, वो कहीं निकला हुआ है, वो लेट होगा, मे भी हो सकता है कि शायद मैं बैठूँ रात को या ना बैठूँ। चलो अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।